हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को चारों ओर से घेरने के लिए रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते ही 29 अप्रैल को कांग्रेस दिल्ली में संविधान बचाओ देश बचाओ रैली के माध्यम से केंद्र की बीजेपी सरकार को भी घेरने के लिए काम करेगी। वहीं हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में 7 मई को कमर तोड़ महंगाई के विरोध में जोरदार रैलियां की जाएंगी। हमीरपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि रैलियों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पूर्व विधायक कांग्रेस कुलदीप पठानिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियों से लोग त्रस्त हो गए हैं और अब कांग्रेस ने भी एक मुहिम के चलते बीजेपी को घेरने के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में 29 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी रैली होगी और हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमर तोड़ महंगाई के विरोध में भी रैलियां होंगी। वैसे ही अभी अभी हाल में ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सुखविंदर सिंह प्रेजिडेंट की अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें ये पारित किया गया कि 29 अप्रैल को जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में एक जनसभा हो रही है, रैली हो रही है, जिसमें संविधान बचाओ और देश बचाओ के उपलक्ष्य में उसमें हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता जाएंगे और उस रैली में जो है वो संपूर्ण शिरकत करेंगे। और दूसरा, हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने 7 मई को हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में कमर तोड़ महंगाई के ऊपर एक रैली निकालेंगे, जिससे आम जन को वर्तमान स्थिति में जो केंद्र में सरकार है उसके जो उसकी वजह से जो देश में आज त्राही त्राही मची है महंगाई की, आज पेट्रोल जो है वो 74 रुपये हो गया है और तेल बढ़ गया है, गैसें बढ़ गई हैं, किसी भी चीज़ पे इससे केंद्र की सरकार का अंकुश नहीं है और लोग जो है वो आज वोट दे के पछता रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी कोई ना कोई ऐसी रैली जनसभा के माध्यम से लोगों के बीच में आए। इसलिए आज जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आने वाले दिनों में और भी कई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये दो प्रोग्राम जो हैं 29 अप्रैल और 7 मई को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी जो है हर चुनाव क्षेत्र में करने जा रही है।